नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। रमजान में बड़ी फलों की मांग। नागपुर रमजान के कारण बाजार में फलों की मांग बढ़ी है। मांग बढ़ने से सीजन में भी फल के भाव बढ़े हुए हैं। शाम होते ही रोजेदार तक खरबूजा, आम, पपीता, लीची, खजूर, सेब, केला आदि की खरीदारी करने बाजारों में उमड़ पड़ते हैं। आम अभी भी 50 से 60 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। वहीं अनार और अनानास बाजार में नजर नहीं आ रहे। इस समय जो अंगूर भी ले रहा है तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। इसके रोजेदारों को यह फल नहीं मिल रहा है। दिन भर रोजा रखने के बाद शाम इफ्तार के वक्त फलों का राजा मिल जाए तो क्या कहें। बाजारों में आम की सभी वैरायटियां मिल रही है। इम्प्रेस मॉल पर वसूली से संभ्रम। नागपुर के SL ग्रुप द्वारा निर्मित इम्प्रेस मॉल पर हाल ही में ED द्वारा की गई कार्रवाई और संपत्ति अटैच किए जाने के बाद अब मॉल पर मनपा का बकाया की वसूली लेकर संभ्रम की स्थिति होने की जानकारी सूत्रों ने दी। इम्प्रेस मॉल पर मनपा का लगभग 47 करोड़ का बकाया चल रहा है। कई बार वसूली को लेकर की गई कार्रवाई के बावजूद न्यायालयीन विवाद में मामला चला जाने से वसूली पर विपरीत परिणाम हुआ है। इसी तरह अब ED द्वारा संपत्ति अटैच किए जाने से मनपा की वसूली किस तरह होगी, इसे लेकर मनपा में मंथन होने की जानकारी भी सूत्रों ने दी है। बंद के दौरान जिले में नक्सलियों का उत्पात। रुपेर में मारी गई दो महिला नक्सलियों के विरोध में नक्सलियों ने रविवार को जिला बंद की घोषणा की थी। यह बंद जिले में काफी हिंसक रहा। इस दौरान नक्सलियों ने जिले भामरागढ़, एटापल्ली और कुरखेड़ा तहसीलों में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। जिले के ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्र में बैनर लगाकर दहशत निर्माण करने की कोशिश की गई। नक्सलियों ने एटापल्ली तहसील के गुरुपल्ली और कुरखेड़ा तहसील के फारवी में वन विभाग के लकड़ा पीट जलाए। गुरुपल्ली के नजदीक कुछ जगह पर पेड़ तोड़कर सड़क पर डालकर यातायात बंद कराया, लेकिन लोगों ने पेड़ को हटाकर यातायात शुरू किया। भामरागढ़ तहसील में सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर को आग लगा के आग के हवाले किया। इन घटनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।